अच्छा, एक सप्लीमेंट्री सवाल है बैंकिंग पे करुणा प्रमोद जी का, कि जिस तरह से HDFC बैंक ने स्लो डाउन दिखाया है, तो क्या उसके चलते दूसरे प्राइवेट बैंक्स जो हैं उनमें निवेश करना फायदेमंद होगा? अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें हैं। अगर HDFC बैंक नहीं चल रहा है तो दूसरे बैंकों में पैसा लगा लें, एक का नफ़ा दूसरे का नुकसान या एक का नुकसान दूसरे का नफ़ा, उस स्ट्रेटजी से, या चूंकि HDFC बैंक लीडर है अपने सेक्टर का तो वहाँ जो चीज़ दिक्कत दे रही है, क्या वो दूसरे निजी बैंकों को भी दिक्कत दे सकती है, या फिर HDFC बैंक की दिक्कत का इंडस्ट्री से कोई लेना देना है नहीं, वो उनके अपने मर्जर से लेना देना है, इसलिए बाकी बैंकों पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए जब तक HDFC बैंक ठंडा है तब तक हम दूसरे बैंकों में पैसा बनाएं? पॉइंट समझ लेते हैं। पहली चीज, तीन पॉइंट अगर मैं मिस कर जाऊं तो बताइएगा। पहला चीज ये है, जो करुणा जी आपको समझने की बात ये है, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको तब डिसीजन लेना होता है जब पूरी दुनिया इन्वेस्ट नहीं कर रही। दूसरी चीज जो मैं समझाऊंगा कि इंडस्ट्री का क्या सिचुएशन है बैंकिंग का। तीसरी चीज मैं ये समझाऊंगा कि HDFC बैंक में क्या चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन पे हम बाद में आते हैं। पहला आपको देखिए, इन द बैंक इंडस्ट्री पर से अपने बेस्ट ऑफ द टाइम्स के थ्रू जा रही है, और मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि ये जिस तरह से NPA इन्होंने रिड्यूस किया है कहीं बॉटम बन जाएगा क्या। मुझे ये लगता है कि ये हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए बहुत बड़ी लर्निंग है कि ये क्लीन बैलेंस शीट का कितना फेवरेबल इम्पैक्ट होता है। तो मुझे नहीं लगता कि हम उतने डर्टी कंडीशन में फिर कभी जाएंगे, ना ही रेगुलेटर मुझे देंगे। तो मेरा इंडस्ट्री पे व्यू बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म में भी बहुत अच्छा है। प्लस जिस इंटरेस्ट रेट, अनसर्टेन इंटरेस्ट रेट सिनेरियो से हम जा रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट रेट बहुत लंबे समय के लिए कहीं पे भी सस्टेनेबल नहीं। तो सम पॉइंट इन टाइम हम ये जो टाइटर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, इससे सॉफ्टर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में जाएंगे और फिर बैंक के मार्जिन प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट होगी। तो साल दो साल जब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखते हैं तो साल दो साल तीन साल से कम तो सोचना ही नहीं चाहिए। अगर 5-5 साल का सोचेंगे तो बहुत बेहतर है, बहुत सुंदर है। उस हिसाब से बैंकिंग एज ए सेक्टर बहुत ही अच्छा होने वाला है, बिकॉज आपकी इकोनॉमी 2.5 से 3, 3 से 3.5 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है और ये 5 की तरफ बढ़ रही है, 5 से ऊपर भी बढ़ रही है। तो ये पूरे का पूरा सेक्टर फेवरेबल है। दूसरा HDFC बैंक, हाँ बिल्कुल, HDFC ग्रुप एक रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू गुजर रहा है, बिकॉज अपने आप में एक बहुत बड़ा आउटफिट बन चुका है और इसको अच्छे से लेके जाने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग जरूरी है। जब तक रीस्ट्रक्चरिंग होगा थोड़े पॉजिटिव थोड़े नेगेटिव आते जाएंगे, लेकिन ये रीस्ट्रक्चरिंग करने के पहले बहुत क्लियरली मैनेजमेंट ने एक्सप्लेन किया था कि वो क्या सिनर्जी देख रहे हैं। तो ड्यूरिंग रीस्ट्रक्चरिंग फेज थोड़े ऑब्स्क्योर चीजें रहेंगी, बहुत क्लैरिटी नहीं रहेगी, जिसका स्टॉक प्राइस पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, लेकिन इसी के थ्रू निकलता है मेरा तीसरा पॉइंट जो आप पूछना चाह रहे थे और जिसका जवाब ये है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कंपनी, बैंक या सेक्टर को इंडिविजुअली समझना चाहिए, और जब कोई पोजीशन नहीं ले रहा है तो जाके पोजीशन लेना चाहिए, प्रोवाइडेड आप अच्छे से उसको समझ सकते हैं। क्योंकि चूंकि HDFC बैंक अच्छा नहीं कर रहा है और चूंकि ICICI बैंक बहुत अच्छा कर रहा है, इसलिए वहां पे चले जाए, ये काम इन्वेस्टर का नहीं होता, ये काम ट्रेडर का होता है। तो पहला भी स्ट्रेटेजी में फर्क है कि जहां पे चमक है, जहां पे सेलिब्रिटी स्टेटस है, वहां जा रहे हैं मतलब आप ट्रेडर है। लेकिन जहां पे चमक नहीं है, जहां पे सब कुछ आपको ध्वस्त दिख रहा है, वहां पे आप जा रहे हैं वो एक इन्वेस्टर बहुत सोच समझ के। तो HDFC बैंक को छोड़ के ICICI बैंक या किसी और बैंक में जहां पे बहुत एक्शन है वहां जाना, वो ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट, ट्रेडिंग मेंटालिटी से जाना चाहे तो कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी से आपको नहीं करना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी से HDFC बैंक का पोटेंशियल डाउनसाइड क्या हो सकता है, जो हमने समझने की कोशिश की है, और बैंकिंग इंडस्ट्री आने वाले 5 साल में कहाँ जा सकती है, उसके अगेंस्ट में HDFC बैंक की पोजिशन क्या हो सकती है, और तब आपने अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन उस पर बेस करना चाहिए। तो आप जो मेथड सोच रहे हैं वो ट्रेडिंग का मेथड है, वो इन्वेस्टमेंट का मेथड। इन्वेस्टमेंट के लिए आप HDFC बैंक इन आइसोलेशन देखिए, फिर उसको सेक्टर पोजीशन कीजिए, आपको देखिए बहुत सुंदर। जी बिल्कुल, तो काफ़ी विस्तार से आपने समझा दिया कि बैंकिंग सेक्टर में दूसरे बैंकों को किस नज़रिए से देखा जाए, कैसे उनमें निवेश किया जाए या न किया जाए।